जातिवाद। आपको स्क्रीन दिख रही है? जी सर दिख रही है। सर सर दिख रही है सर, स्क्रीन दिख रही है। तो आज का हमारा टॉपिक जातिवाद पे रहेगा, और हम लोगों ने पहले सांप्रदायिकता को देखा था और आज हम लोग जातिवाद को देखेंगे। तो बेसिकली जाति के बारे में आप लोगों ने सबने पढ़ा ही होगा अपने ग्रेजुएशन के टाइम में, जाति क्या है, जाति और वर्ग के बारे में बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पहले हम लोग थोड़ा जाति को समझते हैं कि जाति क्या है, क्योंकि जाति से जुड़ी ही एक भावना है, जाति से ही जुड़ी हुई एक निष्ठा है जातिवाद। शुरू किया जाए या अगर अगर किसी को सांप्रदायिकता के संबंध में कुछ समझना हो या तो बात कर सकते हैं, कुछ और स्टूडेंट जुड़ जाएंगे जब तक। प्रशांत सर, ये जो सांप्रदायिकता है ये कम्युनलिज्म है, इसको शॉर्ट में ना डिस्क्राइब कर दो एक बार सर। हाँ, शॉर्ट में मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो हमने सांप्रदायिकता का इतिहास देखा था कि सांप्रदायिकता की भारत में कब से आई थी। तो हमने ये देखा था कि भारत में सांप्रदायिकता की जो विचारधारा है वो 1870 से पहले 19वीं शताब्दी के जो आखिर का दशक है उससे पहले भारत में कभी नहीं मिलती है, सुनने को नहीं मिलती है, या कभी सांप्रदायिक विचारधारा या सांप्रदायिक दंगे कभी भारत में हुए हो ऐसा कभी इतिहास में नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो 70 के दशक में ऐसा क्या होता है कि भारत में सांप्रदायिक विचारधारा जो है वो जन्म लेती है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 1857 का विद्रोह होता है, और 1857 के विद्रोह का जो एक तरीके से आरोप लगाया जाता है वो मुस्लिम्स पे लगाया जाता है कि 1857 का विद्रोह जो है उसमें बहुत बड़ा कारण भारत में जो मुस्लिम है, जो जो मुगल सम्राट जो थे वो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उन्होंने 1857 के विद्रोह को अंजाम दिया। लेकिन जो 1857 या 1860 से लेकर 1870 को जो 20 साल तक था, मुस्लिम्स को एक तरीके से भारत में राजनीतिक के तौर पर अगर देखा जाए तो उनको अलग थलग भारत में रखा गया, और 1870 के बाद में भारत में एक तरीके से राष्ट्रवाद का उदय होता है, राष्ट्रवादी विचारधाराओं का उदय होता है। और दूसरी तरफ क्योंकि राष्ट्रवादी विचारधारा को उदय हो रहा था तो अंग्रेजों ने उस चीज को काउंटर करने के लिए भारत में फूट डालो और राज करो की नीति की उन्होंने शुरुआत की। तो राजनीति एक तरीके से मैंने बताया था कि सांप्रदायिकता धर्म का राजनीतिक व्यापार है। सांप्रदायिकता जो है एक तरीके से धर्म जो है सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित नहीं करता है, और ना धर्म सांप्रदाय जो है धर्म जो है सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ है। 1870 के दौरान जो भारत में सांप्रदायिकता का एक तरीके से उदय होता है, और इसमें मुख्य रूप से कारण जो है आपने सुना होगा सर सैयद अहमद खां, जो पहले नेशनलिस्ट थे भारत, मतलब एक तरीके से उनकी विचारधारा राष्ट्रवादी थी, लेकिन धीरे धीरे अन्य कारणों की वजह से उनकी विचारधारा जो है सिर्फ अपने ही जो समुदाय मुस्लिम समुदाय के को लेकर एक तरीके से जागृत हो गई। तो तभी से भारत में सांप्रदायिक विचारों का उदय माना जाता है। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि सांप्रदायिकता पहले चरण में क्या सोचती है। सांप्रदायिकता पहले चरण में ये मानती है कि जो विभिन्न जो जो है समुदाय हैं उनके जो पार्थिव हित हैं, सब्सटेंशनल जो है बेनिफिट्स हैं, सॉरी हाँ सब्सटेंशनल तो पार्थिव हित हैं वो समान हैं। अगर इनके अंतर्गत हमने देखा जाए तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हित जो होते हैं वो समान होते हैं। मतलब एक जो क्षेत्र है उसमें विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग या संप्रदाय के लोग होते हैं, उनके हित समान होते हैं। दूसरे विचार दूसरा ये मानती है ये कि भारत जो है एक राष्ट्र नहीं है, भारत ना तो एक राष्ट्र है और ना कभी है और ना कभी होगा। भारत में विभिन्न विभिन्न संप्रदाय या धर्म है
चाहे जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, और भारत जो है इन जो धर्म है इनका एक संघ है एक तरीके से। तो पहले और दूसरा ये मानती है कि पार्थिवित तो समान है ही, लेकिन इनके जो जो धार्मिक हित हैं वो भी समान है। अगर हिंदू लोग हैं तो उनके पार्थिवित सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हित तो समान है, साथ में धार्मिक हित भी समान है। सांप्रदायिकता अपने द्वितीय चरण में जब आती है, सेकेंड स्टेज पर आती है, तो वो ये मानती है कि विभिन्न जो जो धर्म है या जो संप्रदाय के लोग हैं उनके पार्थिव हित के साथ साथ जो धार्मिक हित हैं वो समान नहीं हो सकते हैं। दूसरे चरण में जब संप्रदायिकता आती है तो पहले चरण में तो वो ये मानती है कि जो हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, उनके हित जो है वो अलग अलग होते हैं। दूसरे चरण में जब संप्रदायिकता आती है तो वो ये मानने लगती है कि जो विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, उनके जो हित हैं वो समान नहीं हो सकते हैं, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो। अब जो तीसरे चरण में सांप्रदायिकता प्रवेश करती है तो वो ये मानती है कि जो विभिन्न जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनके हित जो हैं समान तो हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन उनमें एक तरीके से संघर्ष की स्थिति है, मतलब उनका टकराना अवश्य है। तो एक तरीके से सांप्रदायिकता की स्थिति जो है विचारधारा एक तरीके से तीन चरणों में विकसित होती है। पहले चरण वो हितों को एक दूसरे अपने हितों को समान मानती है, फिर एक दूसरे से अलग मानती है, और फिर उनमें टकराव की स्थिति मानती है। तो सांप्रदायिकता को हमने समझा, उसके कारण भी कुछ आपको बताए थे, सोशल मीडिया का प्रभाव भी बताया था। तो अभी वर्तमान में मीडिया हाउसेज हैं, उनको तो उनका जो एक तरीके से गैर जिम्मेदार रवैया बताया था, मनोवैज्ञानिक कारण भी बताए थे, आर्थिक कारण भी बताए थे, और साथ में इसमें एक शिक्षा का अभाव भी बताया था। तो बहुत सारे कारण इसमें हम लोगों ने आपको बताए थे, और कुछ इसको रोकने के भी उपाय पर हम लोगों ने चर्चा करी थी कि कैसे सांप्रदायिक जो विचारधारा है उसको रोका जा सकता है। अब हम बात करेंगे जातिवाद की। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जातिवाद पर बात करते हैं। बाद पहले जाति को समझते हैं कि जाति के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि जाति जो व्यवस्था है वो हिंदू धर्म की एक सामाजिक व्यवस्था है। एक तरीके से जाति जो है हिंदू धर्म की सामाजिक व्यवस्था है, और ये जाति जो है व्यक्ति को, या ये कहें कि किसी व्यक्ति को जाति की जो सदस्यता है वो उसको जन्म से मिलती है। कोई व्यक्ति की जाति का निर्धारण उसके जन्म से ही हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि जाति जो शब्द है वो मतलब कैसे उत्पन्न हुआ। तो अंग्रेजी भाषा में जो जाति के लिए कास्ट शब्द से हुई है, अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द से हुई है, जो मूलतः पुर्तगाली शब्द कास्टा से उत्पन्न हुआ है। मतलब कास्ट जो शब्द है वो पुर्तगाली शब्द कास्टा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है एक विशिष्ट सामाजिक समूह से, जिसका अर्थ एक विशिष्ट सामाजिक समूह से लगाया जाता है। दूसरा ये कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक जो संबंध की एक केंद्रीय व्यवस्था पाई जाती है। अगर वर्तमान में जाति व्यवस्था के परिदृश्य को देखेंगे तो एक विशेष जाति के जो सामाजिक संबंध होते हैं वो एक विशेष जाति के अंतर्गत ही होते हैं, मतलब एक उनमें एक केंद्रीय व्यवस्था पाई जाती है। दूसरी जाति की विशेषता ये होती है कि जातियों के अंतर्गत अंतर विवाह होते हैं। अगर हम देखें क्या वर्तमान परिदृश्य में भी हम देखें तो जातियों एक जाति का व्यक्ति अपनी जाति में ही विवाह करता है। दूसरा देखा जाए कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यवसाय की जो परंपरा रही है वो भी एक वंश परंपरा के आधार पर रही है व्यवसाय की परंपरा। अगर परंपरागत तौर पर देखिए कि प्राचीन काल से ही ऋग्वेद के अंतिम काल में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ, जिसको एक विराट पुरुष से उत्पत्ति बताई गई, जिसमें ये बताया गया कि मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय और जगाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति। फिर बाद में वर्ण व्यवस्था को जो है कर्म के आधार पर जोड़कर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हो गई थी। तो एक तरीके से वंश परंपरा के आधार पर अलग अलग जो है व्यवसाय इनके होते हैं। जाति व्यवस्था एक पद सोपान का निर्धारण करती है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें पद के ऊपर में कुछ उच्च जातियां हैं
और निचले स्तर पर निम्न जातियां हैं। जैसे भारत में जो व्यवस्था है, प्रथम स्तर पर ब्राह्मण, द्वितीय स्तर पर क्षत्रिय, तीसरे स्तर पर वैश्य और चतुर्थ स्तर पर शूद्रों को या अस्पृश्य जातियों को रखा गया है। पांचवी अगर व्यवस्था जो है विशेषता हम जाति की देखें कि जातियों के अंतर्गत जो खान पान की जो प्रक्रिया खान पान होता है और जो सामाजिक अंतर्क्रिया होती है उसके एक विशेष नियम होते हैं। हर जाति का व्यक्ति अपनी ही जाति में खान पान संबंधी या जो सामाजिक उसकी अंतर्क्रिया होती है वो जाति के अंतर्गत ही होती है और इसका सभी लोगों को अनिवार्य रूप से पालन करना होता है। दूसरा अगर एक तरीके से हम देखा जाए कि जाति जो जाति व्यवस्था जो है अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो जाति व्यवस्था में विशेष परिवर्तन नहीं आया है और जाति एक तरीके से कठोर सामाजिक व्यवस्था के तौर पर रही है। और ऐसा नहीं है कि जाति व्यवस्था सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। जाति व्यवस्था विश्व के अनेक देशों में अगर हम देखें तो रोमन सभ्यता में देखें, यूरोपीय सभ्यता में देखें तो जो आदिवासी जो समाज है वहां का उनमें जाति व्यवस्था पाई जाती है, जाति व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है ना। तो जाति व्यवस्था को आपने समझा और जाति व्यवस्था की कुछ जो है विशेषताएं आपने समझी जिसमें एक तरीके से प्रदत्त स्थिति है, सहस्तर इसके अंतर्गत पाया जाता है, पद सोपान पाया जाता है, जन्म के आधार पर इसकी सब व्यक्ति को सदस्यता मिलती है, व्यवसाय जो है वो वंश परंपरा के आधार पर निर्धारित होते हैं और एक जो है एक जाति के व्यक्तियों के अंतर्गत खान पान और सामाजिक अंतर्क्रिया भी निश्चित होती है और सभी को उसका पालन करना पड़ता। तो कुछ ऐसी जो विशेषता है वो जाति के अंतर्गत पाई जाती है। अब हम बात करते हैं जातिवाद की। तो जातिवाद जैसे कि आपके उस पर दिख रहा है कि जातिवाद अपनी जाति निष्ठा से जुड़ी हुई भावना है, मतलब जातिवाद जो है अपनी जाति से जुड़ी हुई एक भावना है जिसमें व्यक्ति अपनी जो जाति है चाहे वो किसी भी जाति से हो उसके प्रति निष्ठा का भाव रखता है, अपनी जाति के प्रति निष्ठा का भाव रखता है और इसके अंतर्गत व्यक्ति जो है राष्ट्र के नाम पर राष्ट्रवाद के नाम पर समूहवाद, भाई भतीजावाद को जन्म देता है और राष्ट्रीय एकीकरण की भावना तथा मूल्यों को कमजोर बनाता है। मतलब इसका अर्थ ये हो गया कि जो व्यक्ति है अपनी ही जाति के प्रति एक भावना रखता है और उसी के कल्याण के लिए वो कार्य करता है। आगे की आप देखेंगे अलग अलग परिभाषाएं इसमें दी गई हैं। पहली परिभाषा ये है कि जातिवाद राजनीतिक में रूपांतरण एक प्रतिनिष्ठा की भावना है। के एम पन्नीकर के अनुसार राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा की भावना ही जातिवाद है। के एम शर्मा के अनुसार जाति एक ही जाति के व्यक्तियों की भावना है जो देश या समाज के सामान्य हितों का ख्याल ना रखते हुए केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय एकता और जाति की सामाजिक परिस्थिति को मजबूत करने के लिए प्रेरित करती है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा जातिवाद एक अपनी जाति से जुड़ी हुई निष्ठा है जिसके अंतर्गत व्यक्ति देश या समाज के हितों का ध्यान ना रखते हुए सिर्फ अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जाति की एकता और जाति की जो सामाजिक स्थिति है उसको मजबूत करने का प्रयास करता है। साधारण अर्थ में हम इसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम ये समझेंगे कि जातिवाद के विकास के कारण क्या क्या रहे हैं भारत में, जाति के विकास के कारण। तो सबसे पहला कारण आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि जाति के प्रति भावनात्मक लगाव। तो इसको हम समझ सकते हैं कि जाति को हमने समझा कि भारत में जो जाति के अंतर्गत जो व्यवस्था है वो जाति एक बंद वर्ग के तौर पर है, मतलब एक व्यक्ति का अपनी जाति से ही एक व्यक्ति अपनी जाति के अंतर्गत ही अंतःक्रिया करता है ना कि दूसरी जाति के जाति से। अंतःक्रिया का मतलब अगर किसी व्यक्ति का जो वैवाहिक संबंध होंगे या जन्म से संबंध जो भी उसकी क्रियाएं होंगी वो उसकी जाति के प्रति ही होंगी। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का अपनी जाति के प्रति एक चेतना उत्पन्न हो जाती है उसके अंतर्गत। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि यदि दुख या सुख की कोई भी जो है
समस्या उसके सामने आएगी तो उसकी जाति के लोग ही उसकी सहायता करेंगे। तो एक तरीके से जाति के प्रति जो भावनात्मक जो लगाव उत्पन्न होता है और जो व्यक्ति है अपनी जाति पर ही एक तरीके से काफी हद तक निर्भर हो जाता, चाहे वो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से हो, चाहे वो अंत्येष्टिक्रिया के माध्यम से हो, या इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक जाति के व्यक्ति ही अपनी जाति के व्यक्ति के ही सुख दुख में एक तरीके से सहायक होते हैं। तो एक तरीके से व्यक्ति का अपनी जाति के प्रति भावनात्मक लगाव जो है वो उत्पन्न हो जाता है। अब जब किसी व्यक्ति का अपनी जाति के प्रति या अपने जाति के लोगों के प्रति भावनात्मक उत्पन्न हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से वो अपनी जाति के उत्थान के लिए प्रयास करेगा। तो जाति के प्रति एक भावनात्मक लगाव जो है व्यक्ति के अंतर्गत जातिवाद की भावना पैदा करता है। जबकि हम सब जो कि जातिवाद को हम समझ चुके हैं कि अपनी अपनी जाति के प्रति भावनात्मक लगाव जिससे जिसके अंतर्गत वो है जो है वो एक तरीके से समाज और देश के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने अपने समाज के अपनी जाति के लोगों के उत्थान के लिए कार्य करता है। तो जाति के प्रति भावनात्मक लगाव जब उसका उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो उसके जन्म के आधार पर है या चाहे वैवाहिक संबंध के आधार पर है या अंत्यक्रिया के आधार पर है या जाति के लोगों द्वारा सुख और दुख में उसकी सहायता के कारण जो भावनात्मक लगाव होता है, इस कारण व्यक्ति अपनी जाति के उत्थान और उसके मतलब उसके हित में ही वो प्रयास करता है। दूसरा पॉइंट है जजमानी प्रथा का टूटना। तो जजमानी प्रथा एक प्राचीन परंपरा हमारी एक प्राचीन प्रथा रही है। इसके अंतर्गत इसको हम ऋग्वैदिक काल से ही समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब ऋग्वेद के अंतिम काल में जो है एक तरीके से वर्गों का जब उदय हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का, तो ब्राह्मणों का मेन जो कार्य था वो पठन पाठन अध्ययन अध्यापन और यज्ञ क्रियाएं, ये कार्य जो है उनके लिए एक तरीके से शिक्षा व्यवसाय से जुड़े सभी कार्य उनके लिए जो है उनके लिए उनके दायित्वों के अंतर्गत थे। क्षत्रियों का कार्य क्या था कि शासन चलाना, राज्य की रक्षा करना और प्रजा की रक्षा करना, प्रजा के हित में कार्य करना, ये कार्य उनके लिए निर्धारित किए गए। अगर वैश्यों की बात करें तो वैश्यों का मेन कार्य क्या था कि कृषि करना, व्यवसाय करना, दूसरा करों का भुगतान करना जिससे राज्य का संचालन हो सके, अर्थव्यवस्था का संचालन हो सके। और शूद्रों का कार्य काम क्या था कि तीनों जो उपरोक्त वर्ण थे उनकी सेवा करना। तो एक तरीके से वर्ण व्यवस्था का जब सृजन किया गया है उसका, तो उसमें जो प्रत्येक वर्ण था उसका कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण कर दिया गया। तो ये व्यवस्था जो है, और ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई कि एक तरीके से हम इसको एक अपने शरीर के आधार पर भी इसको समझ सकते हैं कि एक सावयव संरचना बनाई गई कि जैसे शरीर होता है उसमें हर जो अंग का एक तरीके से अलग अलग कार्य होते हैं और वो एक तरीके से शरीर की रचना करते हैं, ऐसे ही समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए जजमानी प्रथा जो है विद्यमान थी। तो समाज में हर व्यक्ति एक तरीके से कार्य करता था, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक दूसरे पर निर्भर था। तो जजमानी प्रथा के अंतर्गत ये था कि हर व्यक्ति जो समाज का अंग था वो अपने अपने अलग दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक दूसरे पर निर्भर था और समाज का संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा था। लेकिन इसके अंतर्गत क्या था कि जो सभी जातियां जो अपने अपने व्यवसाय कर रही थी वो एक दूसरे पर निर्भर भी थी और दूसरा एक दूसरे से आत्मनिर्भर थी। मतलब कोई भी जाति जो है अपने आप में स्वतंत्र ना होकर एक दूसरे पर आश्रित थी। लेकिन जब आत्मनिर्भरता की व्यवस्था जब वहां थी तो लेकिन जाति जो है जातिवाद की कोई भावना उनके अंतर्गत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब जो जजमानी जो प्रथा थी वो टूटने लगी और एक तरीके से प्रत्येक जाति ने अपने लिए अलग अलग समूहों का निर्माण कर लिया। तो जाति जजमानी प्रथा के अंदर व्यक्ति जो अपने दायित्वों का निर्धारण करते हुए एक दूसरे पर आश्रित था तब तक उनके बीच में कोई जातिवाद की भावना नहीं थी। लेकिन जैसे ही जजमानी प्रथा जो व्यवस्था थी वो टूटने लगी और जो व्यक्ति है उनका अपनी ही जाति प्रत्येक जाति में ही एक अलग अलग उनका समूह के रूप में निर्माण होना और अपनी ही जाति को एक तरीके से मजबूत करने की भावना उनके अंदर दिखाई देती है,
जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपनी ही जाति के हितों को सर्वोपरि बनाने का प्रयास करता है, जिससे जाति जो है जातिवाद का विकास हुआ। दूसरा तीसरा कारण है आरक्षण व्यवस्था। जैसा कि आप लोग जानते कि भारतीय संविधान में जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर लोग हैं उनके लिए, शैक्षणिक कमजोर लोग चाहे वो अनुसूचित जाति हो जनजाति हो, स्पेशली अनुसूचित जाति जनजातियों को आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो एक तरीके से मोटे तौर पर हम देखा जाए कि आरक्षण व्यवस्था का जो उद्देश्य था, ऐसी जातियां जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से समाज में पिछड़ी मतलब पिछड़ी हैं उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करना था। लेकिन धीरे धीरे जो जिन जातियों को आरक्षण मिला उनके द्वारा एक तरीके से अपनी जाति के अंतर्गत ही जब उनको जब किसी को जब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से एक तरीके से मजबूत करेंगे तो उनके अंतर्गत भी एक जातीय एक तरीके से हम ये कहें कि जातीय चेतना का उदय हुआ। जब किसी व्यक्ति के अंतर्गत एक जातीय चेतना का उदय होगा तो, और दूसरा ऐसी जातियां थी जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, तो उनके अंतर्गत भी ये भावना हुई कि हमारा जो एक तरीके से हमारा विकास जो है और जिनको आरक्षण मिला है उनके विकास में एक तरीके से अंतर आ गया। तो ऐसी जातियां जिनको आरक्षण मिला है और ऐसी जातियां जिनको आरक्षण नहीं मिला है उनके अंतर्गत एक जातीय चेतना का विकास हुआ। और धीरे धीरे जब जातीय चेतना का विकास हुआ तो जातिवाद का विकास हुआ। अगर हम देखें कि 1990 के आसपास में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी जिसमें पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो कुछ ऐसी चीजें थी जिसने जातिवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है जातीय संगठन। जातीय संगठन के आधार पर एक तरीके से आप ये मान सकते भी आप लोग देखते होंगे कि अखिल भारतीय ब्राह्मण, अखिल भारतीय जो है क्षत्रिय महासभा, तो इस टाइप से बहुत सारे आपने देखा होगा कि जो है एक तरीके से जाति संगठन ने अपने अपने समूह बना लिए हैं और वो एक तरीके से अपने जो जातीय जो उनके समूह हैं या जाति है उनके विकास के लिए वो लोग कार्य करते हैं। तो अगर हम सामूहिक रूप से अगर इसको देखें तो जितने भी जातीय संगठन है इनका मेनली उद्देश्य क्या होता है, अपनी जाति के लोगों को एकत्रित करना, जो एक तरीके से बिखरे हुए लोग हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे यातायात संचार के साधन का विकास, उसके अंतर्गत इसी चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जो जातीय संगठन है क्योंकि वो देखा है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज या अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, तो उसका उद्देश्य यही है कि जो अखिल भारत के स्तर पर जो लोग ब्राह्मण लोग हैं या जो है चाहे क्षत्रिय चाहे वैश्य या शूद्र लोग हैं, वो लोग जो बिखरे हुए फैले हुए हैं उनको एकत्रित करना, उसका उद्देश्य यही है कि ये भावना भी एक तरीके से जातिवाद को बढ़ावा। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि अपनी जाति के लोगों को एकत्रित करना, अपनी जाति के प्रभाव को बढ़ावा देना, मतलब एक जाति से दूसरी जाति के प्रभाव को बढ़ावा देना और एक ऐसे दबाव समूह के रूप में कार्य करना जो सरकार पर दबाव डाल सके अपने हितों में कार्य करने के लिए। दूसरी चीज आप लोगों ने एक सामान्य देखा होगा समाज में कि हर जाति के लोगों की एक एक सामाजिक एक तरीके से जो है पत्रिकाएं निकलती हैं, अखबार निकलती हैं और जिसमें स्पेस जो है विशेष रूप से अपनी जाति के संबंध में ही और जातीय की जो भी उनकी प्रक्रियाएं होती हैं उनके संबंध में बातें लिखी होती है। तो ये एक तरीके से जो जातीय संगठन है समाज में एक जातिवाद को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जाति संगठन को हमने देखा कि अखिल भारत में जातियां की जो बिखराव हो वो ऐसा नहीं है कि किसी भी एक जाति जो है किसी विशेष क्षेत्र में रहती है। अगर भारत में हम लोग बात करें तो हर जाति जो हर एक कोने में पाई जाती है। तो यातायात के जब साधनों का विकास हुआ, संचार के साधनों का विकास हुआ, तो एक जाति का अपनी जाति के साथ में जो है संबंध स्थापित करना, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, यातायात के माध्यम से हो, संचार के माध्यम से हो, व्हाट्सएप फेसबुक टेलीकम्युनिकेशन जो भी हो उसके माध्यम से संपर्क करना जो है एक तरीके से आसान हो गया। दूसरा आसान हो गया तो जो जातिगत संगठन है उनके द्वारा इनके माध्यम से अपने जातीय जो लोग हैं उनको इकट्ठा करना और अपनी जाति के लिए काम करना, जाति के कल्याण के लिए कार्य करना उनके लिए एक तरीके से आसान
हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट कारण है संस्कृतिकरण। तो संस्कृतिकरण को हमें एक साधारण अर्थ में समझें, संस्कृतिकरण का अर्थ ये होता है कि निम्न जाति के लोगों द्वारा उच्च जाति के जो है सामाजिक स्तर का दावा करना। जब निम्न जाति के लोग उच्च जाति के लोगों की जो सामाजिक स्थिति है या सामाजिक स्तर को पाने का प्रयास करते हैं या उस पर दावा करते हैं, तो वो प्रक्रिया जो होती है वो संस्कृतिकरण कहलाती है। अब इसको भी हम समझ सकते हैं कि भारत में जो जाति व्यवस्था रही है उसमें जो उच्च वर्ग के लोग हैं जो है उनके द्वारा निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनके प्रति एक ईर्ष्या की भावना रही है। और वो भावना उच्च, क्योंकि भावना का कारण ये है कि उच्च वर्ग के लोग जो है हमेशा उच्च बने रहना चाहते हैं और उसका उद्देश्य यही रहा कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो निम्न वर्ग के ही रहें। तो जब निम्न वर्ग के लोगों द्वारा किसी भी तरीके से एक चाहे वो आर्थिक स्तर पर ले हम या राजनीतिक कारण से लें, अगर किसी के पास पैसा आ गया या उसको राजनीतिक शक्ति मिल गई, तो उसके द्वारा जो है समाज में एक अच्छी स्थिति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। उसके द्वारा समाज में एक अच्छी स्थिति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो ये जो इसका एक तरीके से हम ये देखते हैं कि उच्च वर्ग के लोग हैं उनके अंतर्गत ये भावना पैदा हो जाती है कि उनकी जाति जो श्रेष्ठ है और वो जो है एक तरीके से जो निम्न जाति के लोग हैं अपने समकक्ष जो है उनको नहीं आने देना चाहते हैं या उनको अपने समकक्ष नहीं देखना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उच्च जाति में अपनी जो जातीय श्रेष्ठता के कारण जातिवाद की भावना पैदा होती है और जातियों में ऊंचा उठने के लिए जातिवाद की भावना को एक तरीके से उत्पन्न होती है। तो प्रत्येक जाति जो है वो सामाजिक स्तर पर अपने आप को उच्च बनाए रखना चाहती है, या एक तरीके से ये कहें कि जो समाज के स्तर पर जो निम्न सोपान के स्तर पर जातियां हैं, चाहे वो अछूत जातियां हैं या शूद्र जातियां हैं या एक तरीके से वैश्य वर्ग की हम बात कर सकते हैं, वो जो समाज में प्रथम स्तर प्राप्त करना चाहते हैं, ब्राह्मण वाला जो स्तर प्राप्त करना चाहते हैं, और जो उच्च वर्ग की जो जातियां हैं वो समाज में प्रारंभ काल से ही उच्च स्तर पर रही हैं, आर्थिक राजनीतिक स्थिति को बनाए रखना चाहती हैं, तो उस कारण उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में जो समाज में एक तरीके से जो गैप बना हुआ उच्च स्तर का और निम्न स्तर का उसको समाप्त करने का जो प्रयास किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उच्च वर्ग के द्वारा जो अपनी जातीय श्रेष्ठता को बनाए रखने के कारण उनके अंदर जातिवाद की भावना पैदा होती है। नेक्स्ट कारण है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है, तो मतलब राजनीति को एक तरीके से धर्म से जोड़ दिया है और धर्म से जोड़ दिया है और जाति से जोड़ दिया है। तो जाति को एक तरीके से वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है। तो भारत में अभी वर्तमान में जो भी राजनीतिक परिस्थितियां विद्यमान है, चाहे अभी की लो या जो है स्वतंत्रता के बाद की आप लीजिए, तो वहां पर जाति जो है एक महत्वपूर्ण फैक्टर, जो चुनाव में जाति एक महत्वपूर्ण फैक्टर के आधार पर काम करती है। अगर आप पंचायत चुनाव से लेकर अगर हम लोग देखें जो है, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, राज्यसभा के कोई भी चुनाव हो, वहां जातीय समीकरण जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है वो जाति को एक वोट बैंक के तौर पर देखती है और वो किसी भी क्षेत्र में अपनी चुनावी रणनीति जब बनाती है, तो वो एक जो है राजनीतिक जो भी दल होता है वो एक अपनी जो चुनावी रणनीति बनाता है, वो उस क्षेत्र में जाति की संरचना है, जाति के एक तरीके से जो वहां पर सम्मिश्रण है, किस किस जो है जातियां के मतलब किन किन जातियों के कितने कितने लोग हैं, उसके आधार पर ही वो अपने कैंडिडेट को एक तरीके से खड़ा करते हैं। अगर इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से ऐसे समझें कि अगर कोई किसी ऐसा क्षेत्र है जहां पर चाहे ब्राह्मण वर्ग ज्यादा हो या वैश्य ज्यादा हो या शूद्र ज्यादा हो, तो अगर वहां ऐसे किसी व्यक्ति को या राजनीतिक पार्टी द्वारा खड़ा किया जाता है जो किसी विशेष जाति से ही बिलोंग करता है जबकि अन्य जातियां वहां संख्या में कम है, तो ऐसा व्यक्ति अगर जीतता है तो वो जो है सिर्फ अपनी जाति के लिए ही कार्य करता है। उसके अंतर्गत ये भावना आ जाती है कि मैं तो जो हूँ अपनी जाति के वोटों के कारण ही जीता हूँ। तो ऐसी स्थिति में नेता जो चुन के आता है वो सिर्फ अपनी जाति के लोगों पर ही विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता है, ना कि अन्य जातियों को। दूसरी चीज,
तो इसी कारण जो होता है कि उस क्षेत्र में या उस नेता के द्वारा जो अपनी विशेष जाति के लोगों को एक तरीके से ध्यान दिया जाता है, उनके हितों को सर्वोपरि रखा जाता है, अन्य जातियां हैं उनके हितों के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उससे भी एक जातिवाद की भावना लोगों के अंदर पैदा होती है। दूसरा नेक्स्ट कारण है विवाह विवाहों पर प्रतिबंध। तो इसको हम एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि भारत में जो है जाति व्यवस्था जो रही है उसके अंतर्गत विवाह जो है अंतर जाति विवाह ही रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति जो है दूसरी जाति के अंतर्गत विवाह नहीं कर सकता है। तो मेन कारण इसका एक ये भी है कि अगर भारत में जो है जातिवाद या एक तरीके से जाति प्रथा को समाप्त करना है तो जातिर विवाह अगर जाति से बाहर विवाह की प्रथा को भी एक तरीके से बढ़ावा देना होगा। तो जाति पर विवाहों पर जो प्रतिबंध है वो भी जातिवाद को ही बढ़ावा देता है। अब जातियों का विकास नेक्स्ट कारण है जातियों का विकास। अगर हम देखें तो भारत में जातियों की संख्या बहुत सारी जातियां हैं, भी जो है एक तरीके से अपनी चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो या आर्थिक स्थिति हो, उसको मजबूत करना चाहती है। और जब कोई भी जाति अपनी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना चाहेगी तो स्वाभाविक है वो मजबूत वो तभी कर सकती है जब वो अपने जो है सामाजिक आर्थिक हितों को लेकर उसके अंदर अगर अपनी जाति के प्रति चेतना की भावना उत्पन्न हो और वो अपने जाति के लोगों को एक तरीके से संगठित करे। तो ऐसी स्थितियों में जो जातियों का विकास है वो भी जातिवाद को बढ़ावा देता है। अब नेक्स्ट है जातिवाद के कारण समस्याएं क्या आती हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि जाति बात के उत्पन्न होने के कारण बहुत जो है काफी सारे कारण हैं, चाहे जाति के प्रति भावनात्मक लगाव हो, जजमानी प्रथा का एक तरीके से अंत हो, आरक्षण के यातायात एवं संचार के सेवाओं का विकास, संस्कृतिकरण, राजनीतिक, काफी सारे कारण आप लोगों ने देखे। तो अब हम देखेंगे जातिवाद के कारण जो है समस्याएं या उसके दुष्परिणाम क्या हैं भारतीय समाज में, भारतीय समाज में, अर्थव्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, उसके दुष्परिणाम क्या। तो पहला कारण तो ये कि जातिवाद जो है राष्ट्रीय एकता में बाधक है, क्योंकि जातिवाद जो है सिर्फ अपनी जाति या अपनी जातीय समूह के ही हितों को बढ़ावा देती है। और वो जो जो जब व्यक्ति अपने जातीय हित तो या सामाजिक हितों को भी बढ़ावा देगा तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होगी ही होगी, क्योंकि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अपनी जो व्यक्तिगत हित और अपनी जाति के हितों को इसमें सर्वोच्च मानता है, ना कि राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च मानता है। तो जब व्यक्ति जो है एक तरीके से ये पहले ये कहेगा कि पहले मैं हूं या मेरी जाति है उसके बाद राष्ट्र है, तो राष्ट्रीय एकता में बाधक आएगी आएगी। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो भी जातियां हैं वो अपने हितों को लेकर उनके अंदर एक संघर्ष की स्थिति जो है उत्पन्न होगी, और राष्ट्रीय एकता जो भारतीय संविधान की एक जो प्रस्तावना में लिखा गया है एक तरीके से बंधुत्व की भावना जो एक तरीके से जो है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में सहायक है उसका हर्ष होगा और उसका नुकसान होगा। जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देता है, ये हम लोगों ने समझ आई है कि जातिगत भेदभाव को कैसे बढ़ावा देता है, उसको हमने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से समझा और जाति संगठन की व्यवस्था के माध्यम से समझा और आरक्षण की व्यवस्था के माध्यम से समझा कि जब जाति चाहे आरक्षण को लेकर देखा जाए कि एक एक विशेष जातियां जिनको आरक्षण नहीं मिला है तो उनके अंदर एक विशेष जाति के प्रति जो है एक भेदभाव की जो है भावना को उदय होता है। दूसरा जाति संगठन जो है अपनी जाति के जो लोगों को एक तरीके से संगठन करते हैं और जाति को लोगों को जो है एक तरीके से उनके अंतर्गत एक उनको एकत्रित करते हैं और चाहे पत्रिका हो या अखबार हो उनके माध्यम से भी जातिवाद को वो लोग बढ़ावा देते हैं। संस्कृति के प्रकरण की प्रक्रिया में हम लोगों ने जाना कि निम्न जातियों द्वारा उच्च वर्ग की जो सामाजिक स्थिति है उसको प्राप्त करने का प्रयास, ऐसी स्थिति में भी जो है उच्च वर्ग के द्वारा अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के प्रयास में जातिवाद जो है उत्पन्न होता है, जाति संघर्ष को बढ़ावा देता है। क्योंकि जब हितों को लेकर कोई भी जातीय समूह जो है वो चाहे वो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्तर पर अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास करेगा तो ऐसी स्थिति में जातियों के मध्य एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी।
नेक्स्ट है लोकतंत्र का विरोधी है, जातिवाद जो है लोकतंत्र का विरोधी है। अगर लोकतंत्र का मतलब हो गया एक तरीके से लोगों का शासन, और लोगों का जब शासन होगा तो वो लोगों का शासन जो है सभी को एक तरीके सभी के प्रति समान रूप से कार्य करेगा, चाहे कोई स्त्री हो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो या किसी भी धर्म किसी भी जाति को मानने वाला हो। तो लोकतंत्र में जो है जातियां या धर्म या समूह को के स्तर पर प्रयास ना करके बल्कि एक व्यक्ति के स्तर पर को प्रयास किया जाता है और एक व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो जातिवाद है वो एक लोकतंत्र की भावना के भी खिलाफ है। जातिवाद औद्योगिक कुशलता में बाधक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जातिवाद जो प्राचीन काल में जो व्यवस्था एक तरीके से स्थापित कर दी गई कि एक नाई का बेटा नाई होगा, एक मोची का बेटा मोची होगा, तो ऐसी स्थिति में जो जाति है एक बंद व्यवस्था है और वो व्यक्ति को अपने जो उसको वंशानुगत व्यवसाय जो उसके लिए निर्धारित कर दिए गए उससे बाहर जाने से उसको रोकती है, उससे बाहर जाने से उसको रोकती है। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति को व्यक्ति के ऊपर ये लाद दिया जाता है कि आपको वंशानुगत रूप से आपके जो कार्य है वो नाई का ही कार्य करना है आपको, या वंशानुगत रूप से आपको जो है मोची का ही काम करना है, जूते सिलने का ही काम करना है, या वंशानुगत रूप से आपको झाड़ू पोछा साफ सफाई इसका ही कार्य करना है, तो एक तरीके से व्यक्ति का जो एक तरीके से विकास होना चाहिए और जो औद्योगिक कुशलता हम लोगों को प्राप्त होनी चाहिए जातिवाद के कारण वो उत्पन्न नहीं होती। जातिवाद जो है व्यक्ति के बहुमुखी विकास का एक तरीके से नुकसान करता है, उसमें एक बाधक है। गतिशीलता में बाधक, इससे पहले तो इस गतिशीलता से पहले हम देखेंगे भ्रष्टाचार वाला पॉइंट देखते हैं, इसको हम बाद में समझाएंगे आपको। भ्रष्टाचार पैदा होता है कि जब व्यक्ति हमने देखा कि व्यक्ति अब सामाजिक और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर सिर्फ अपने ही जो जाति के लिए प्रयास करता है तो उससे भ्रष्टाचार भी पैदा होगा, क्योंकि व्यक्ति जो है सिर्फ अपने ही जो जाति के लोग हैं उनको बढ़ावा देगा और उन्हीं के लिए एक तरीके से वो प्रयास करेगा। इसको भी हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, किसी भी स्थिति पर देखते हैं कि भ्रष्टाचार जो है एक तरीके से जातिवाद को भी बढ़ावा देता है। संसाधनों के अन्यायपूर्ण वितरण को बढ़ावा देता है, क्योंकि अगर हम देखें इसको भी हम लोग जो है बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं किसी भी एग्जाम्पल के द्वारा। समाज में ऐसी जाति ऐसी जो लोग ऐसे लोग जो उच्च स्तर पर सामाजिक व्यवस्था में जातिवाद जो है जाति व्यवस्था उच्च स्तर पर विद्यमान है उनकी एक चाहे राजनीतिक आर्थिक सामाजिक पहुंच होती है, तो ऐसी स्थिति में जो अधिकांश जो संसाधन होते हैं राष्ट्रीय संसाधन होते हैं उन पर एक महत्वपूर्ण उनका एक अधिकार होता है। और जो जो जाति जो है चाहे जातीय चेतना के आधार पर या सामाजिक चेतना आर्थिक चेतना या राजनीतिक चेतना के स्तर पर जितना ज्यादा मजबूत होती है उसका संसाधनों पर उतना ही अधिक अधिकार होता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जो अलोग अशिक्षित हैं या उनके अंदर अभी जातीय चेतना का उदय नहीं हुआ है वो लोग उन तक जो संसाधन नहीं पहुंच पाते हैं। गरीबी और बेरोजगारी का भी बहुत बड़ा कारण है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एक जो है एक तरीके से लास्ट टॉपिक हम लोगों ने समझा था जिसमें ये लिखा था जातिवाद औद्योगिक कुशलता में बाधा, कि जब किसी व्यक्ति को एक तरीके से उसके जो वंशानुगत व्यवसाय है उसके साथ ही उसको बांध कर रख दिया जाएगा तो बेरोजगारी उत्पन्न होगी, और दूसरा एक तरीके से गरीबी भी, जब बेरोजगारी है तो गरीबी अपने आप में उत्पन्न होगी। क्षेत्रीयता और स्थानीयता को बढ़ावा देते हैं, तो क्षेत्रीयता को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि क्षेत्रीयता और स्थानीयता की जो भावना है भारतीय समाज के लिए एक तरीके से भारतीय राष्ट्रीय एकता के लिए भी अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है। तो क्षेत्रवाद जो एक ऐसी विचारधारा है जिसका संबंध एक ऐसे क्षेत्र से होता है जो धार्मिक आधार पर या राजनीतिक आधार पर या सामाजिक आधार पर या जो सांस्कृतिक कारणों से अपने प्रथक अस्तित्व के लिए जागृत होती है। मतलब क्षेत्रीयता का अर्थ हम ये समझ सकते हैं कि ये कोई भी व्यक्ति जो है अपने क्षेत्र के संबंध में धार्मिक राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक कारणों से अपने एक विशेष क्षेत्र का जो है प्रथक अस्तित्व बनाए रखना चाहता है वो। अगर हम किसी एक छोटे क्षेत्र को लेकर बात कर सकते हैं, चाहे पूर्वोत्तर की हम बात कर लें, वहां भी जो है एक तरीके से क्षेत्रीयता की भावना उदय हुई है और वो लोग अपनी चाहे संस्कृति को बचाए रखना चाहते हैं
या अपनी सामाजिक स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं या धार्मिक स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, तो ऐसी भावना जो है सामाजिक कारण या आर्थिक कारण या राजनीतिक कारण या सांस्कृतिक कारणों से अपने पृथक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उत्पन्न होती है, वो क्षेत्रीयता की भावना है। ऐसे ही स्थानीयता की भावना स्थानीयता को भी बढ़ावा देती है, जो जाति जातिवाद जो है वो स्थानीयता को भी बढ़ावा देता है। अब हम देखेंगे एक टॉपिक अगर हाँ आपको छूट गया, वो गतिशीलता में बाधक। इसको हम लोग एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जातियों के मध्य जो है गतिशीलता में एक तरीके से हम इसको एग्जांपल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जातियों के मध्य गतिशीलता में एक बाधक होती है। इसका एग्जांपल एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं है, चलिए मैं आपको समझा दूंगा, एग्जैक्ट एग्जांपल में दिमाग में नहीं आ रहा फिलहाल अभी। नेक्स्ट हम देखते हैं जातिवाद के निराकरण के उपाय क्या हैं। तो जातिवाद को कैसे समाप्त किया जा सकता है, तो सबसे पहला कारण इसमें देखा दे रखा जीवन साथी के चयन में स्वतंत्रता या अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना। तो जातिवाद क्योंकि जो है व्यक्ति अपनी जाति में के अंतर्गत ही विवाह करता है और एक तरीके से ये हमने पहले भी देखा, तो अगर वैवाहिक संबंधों में स्वतंत्रता दी जाए व्यक्ति को या अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन किया जाए तो इससे क्या होगा, जो विभिन्न जातियां हैं उनके उनमें एक तरीके से सम्मिश्रण होगा। तो जब जब सम्मिश्रण होगा तो ना तो चाहे उच्च वर्ग की जातियां या निम्न वर्ग की जातियां हैं उनके अंतर्गत की जो जो एक तरीके से जो भावना है कि वो उच्च वर्ग का है या वो निम्न वर्ग का है वो भावना उनके अंतर्गत समाप्त हो जाएगी। दूसरा आधुनिक शिक्षा और आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के अंदर जो है जो अपनी जाति के प्रति जो भावना उत्पन्न हुई है और या ये कहें जो उसके अंदर जातिवाद की जो भावना उत्पन्न हुई है उसको दूर कर सकती है। सांस्कृतिक एकीकरण वैकल्पिक सामाजिक जो सांस्कृतिक संस्थाओं के विकास से समाज जातियों के बीच दूरी को कम किया जा सकता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं सांस्कृतिक एकीकरण के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल एक्टिविटी जिसमें एक जाति के लोगों को दूसरी जाति के लोगों के साथ में जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए। सामाजिक वैकल्पिक जो है सांस्कृतिक संस्थाओं के विकास, तो एक तरीके से हम इसको कल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से देखते हैं। ऐसी गतिविधियों समाज के स्तर पर ऐसी गतिविधियों का संचालन किया जाए जिसमें समाज के जो सभी जातियों का प्रतिभाग हो, जिससे उनके बीच में एक जो दूरी बनी हुई है उनको एक जो गैप है उनके चाहे वो समझने को लेके गैप हो या किसी भी तरह का गैप हो तो एक दूसरे को समझ सके। दूसरा जाति के आधार पर राजनीति पर कानून तौर पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हम लोग अभी देखते हैं जब भी चुनाव होते हैं तो विशेष तौर पर एक धर्म को या जाति को लेकर टारगेट करके एक तरीके से भावना जातिवादी भावना है उनको भड़काया जाता है। तो ऐसी राजनीति जिसमें किसी धर्म को लेके या जाति को लेके विशेष तौर पर जो है भावनाएं भड़काने का काम किया जाता है उस पर एक तरीके से प्रतिबंध लगाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा सरकार द्वारा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल के प्रयोग पर कानून प्रतिबंध, या आप लोगों को पता ही है कि सरकार द्वारा इस संबंध में कानून बनाया गया है कि कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ आप जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा सामाजिक सामूहिक या राष्ट्रीय और सामाजिक हितों के प्रति जागरूकता। जातिवाद क्योंकि जातिवाद की जो भावना है वो व्यक्ति को हाँ सर ये सर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कानूनी प्रतिबंध सर इसका मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते किसी को, जैसे कोई अगर सक्सेना है तो हम उसको उत्कर्ष सक्सेना कह के नहीं बुला सकते हैं, या सर सक्सेना कह के नहीं बुला सकते सर, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं इसका मतलब ये हो गया कि सरकार द्वारा जाति सूचक शब्दों के प्रयोग को कानूनी तौर पर प्रतिबंध कर जाए उसको हम एक तरीके से आप बता रहे हो उसको भी हम कह सकते हैं, लेकिन इसका विशेष रूप से अर्थ वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ जो वो है जाति के उपनामों को लिखने की जो प्रथा है उसको रोका जाए, ये अलग चीज है। हाँ जो उपजाति होती है सर जैसे शर्मा के अंदर बड़ी आती है ये सब आते सर ऐसी बात कर रहे हैं ना? नहीं वो अलग चीज है, वो अलग से उसमें नहीं है। हाँ सर जैसे सरकार द्वारा जाति सूचक शब्दों के प्रयोग को कानून तौर पर प्रतिबंध किया गया है ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना? साथ में ही लेकिन सरकार द्वारा ये तो प्रतिबंध नहीं किया गया कि कोई व्यक्ति अपने नाम के पीछे जो है शर्मा लगा सकता है या वर्मा लगा सकता है, इसको तो प्रतिबंध सरकार द्वारा नहीं किया गया है, ठीक है ना? हाँ लेकिन ये तो ये एक समाज के स्तर पर ही हो सकता है
कि जो समाज है वो अपने जो नाम के पीछे जाति के उपनाम को जो लिखने की प्रथा है उसका बहिष्कार करे। अच्छा, ना लिखे। हाँ, नाम लिखे। ये समाज के स्तर पर, समाज के स्तर पर वो कानूनी तौर पर प्रतिबंध नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ सर, हाँ समझ गए ना। सरकार द्वारा जो जाति सूचक शब्दों के प्रयोग को कानूनी प्रतिबंध किया गया। अगर आप किसी व्यक्ति के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या उसकी विशेष जाति के तहत आपको उसके नाम बुलाते हैं उसको, तो एक तरीके से हाँ प्रतिबंध लगाया गया। दूसरा, इसके अंदर हम ये समझ सकते हैं कि जो जाति के हम लोग उपनाम लिखते हैं, चाहे वो कोई भी नाम लगाए, चाहे शर्मा लगाए, वर्मा लगाए, उपाध्याय, जो भी आप लगाते हैं, ठीक है ना, तो उनकी उपनाम को लिखने का या उनका उल्लेख करने की जो प्रथा है उसका बहिष्कार किया जाए, ठीक है ना। और सरकार के द्वारा भी इस पर प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सरकार द्वारा इस पर कोई प्रयास नहीं किया गया या सरकार द्वारा इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है सामूहिक या राष्ट्रीय और सामाजिक हितों के प्रति जागरूकता। अभी हम देख रहे थे कि जो जातिता की भावना है वो सिर्फ जो है अपनी जाति के प्रति ही है, ना कि वो राष्ट्र के प्रति या समाज के प्रति है। तो व्यक्ति के अंतर्गत जो है या किसी भी जाति के जो है उसके अंतर्गत पहले अपने हित या अपने व्यक्तिगत हित या अपनी जाति के हितों को बढ़ावा ना देकर एक राष्ट्रीय और एक संपूर्ण समाज के हितों के लिए एक काम करने की उनके अंतर्गत भावना को जागृत करना चाहिए। जाति संगठनों पर कानूनी प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि भारत में संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, तो इसी का फायदा उठाते हुए बहुत सारे भारत में जाति संगठन बन गए। तो उनका उद्देश्य यही है कि अपनी जाति के लोगों को जो है संगठित करना, जातीय उनके अंतर्गत जो है एक तरीके से अपनी जाति के प्रति जो है भावनाओं को उनके अंतर्गत इकट्ठा करना और उनको एकत्रित करना। तो जाति जितनी भी जाति संगठन है, कोई भी हो, चाहे अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा हो, क्षत्रिय सभा हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, जितने भी हो, उन पर एक तरीके से कानूनी प्रतिबंध लगाना चाहिए। और जातिवाद के विरोध में जनमत का एकीकरण, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था जो है वो सामाजिक व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज को समाप्त करने के लिए दो प्रयास होते हैं, एक तो राज्य या सरकार अपने स्तर से प्रयास करे और दूसरा जो जनमत है, जो समाज है, वो अपने स्तर से प्रयास करे। तो भारत में अगर किसी भी कार्यक्रम को का सफल बनाया जाना है तो ये कोई भी कार्यक्रम जब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें जन सहभागिता ना हो। तो अगर जातिवाद को अगर हम लोगों को समाप्त करना है तो सबसे पहले इसका विरोध जो है होना चाहिए वो जनता के स्तर पर या समाज के स्तर पर ही इसका जो है विरोध होना चाहिए। तो इसके लिए एक जनमत को तैयार करना पड़ेगा कि हम लोगों को जो है एक जनमत तैयार करना पड़ेगा जो है समाज के स्तर पर, जातियों के स्तर पर भी, कि हम लोग जो है कि अपने जो हमारी जो विशेष जाति है या हमारा जो विशेष जाति समूह है उनकी मतलब उनको उनके हितों को ध्यान में रखकर अन्य जाति समूह या अन्य जो लोग हैं उनको भी हमको एक तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, जाति निर्वाचन क्षेत्रों में जो उन्मूलन, जैसे कि सरकार द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि कुछ कुछ क्षेत्रों में स्पेशल रूप से जो है जाति के आधार पर ही वहाँ सीटों का आवंटन होता है, एक तरीके से ये भावना भी जो है जातिवाद को बढ़ावा देती है। हाँ, आवाज नहीं आ रही सर, आने लगे। जाति निर्वाचन क्षेत्रों का उन्मूलन, आप लोगों ने हाँ चाहे आप लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में जब गांव पंचायत के जब चुनाव होते हैं देखा होगा कि जो है गांव में विशेष जाति के लिए जो है वो सीट एक सीट आरक्षण कर दी जाती है। ऐसे ही जो है अन्य सीटें भी जो है उन सीटों पर, चाहे वो लोकसभा हो या जो है विधानसभा हो, वहां भी एक सीटों का ऐसी तरीके से आरक्षण किया जाता है। तो ये व्यवस्था भी संविधान का प्रावधान है ना सर उसके लिए, तो किसमें उसको तो सर संविधान प्रावधान है ना सर कि एससी एसटी को ये सीट पहले दिया जाएगा। हाँ, तो ये व्यवस्था भी, ये जो उन्मूलन है, जो व्यवस्था रखी गई है उसको भी समाप्त किया जाना चाहिए, वो भी जातिवाद को बढ़ावा देती है। हाँ हाँ, वही तो सर, ये तो बढ़ावा देती है, संविधान खुद बढ़ावा देता है, बढ़ावा देती है, वो बढ़ावा देती है। हाँ सर, श्याम बोल रहा हूँ। हाँ बताइए श्याम। तो एससी एसटी के लिए या किसी भी कास्ट के लिए सीटों का जो आरक्षण किया जाता है वो समुदाय निर्माण में इसलिए किया गया था ताकि वो जो बैकवर्ड थी जो पॉपुलेशन उसको जो आगे किया जा सके। हाँ वो ठीक है, वो मैंने माना है, पता है वो, लेकिन एक्चुअली कारण तो वो ये है ना कि वो भी वो जो रखा गया तो उसका उद्देश्य तो अच्छा है कि जो समाज में ऐसी जातियां
जो जो समाज के जो निम्न स्तर पर हैं, जिनको समाज की मुख्य धारा में वो सम्मिलित नहीं हुई हैं, उनको जो उनको राजनीतिक स्तर पर उनको राजनीतिक की जो प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें उनको सम्मिलित किया जाए, ठीक है ना। उनको लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसमें उनको सम्मिलित किया जाएगा। इसको हम ऐसे समझें कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको क्यों लाया गया, उसका उद्देश्य यही था कि जो समाज का जो निम्नतम स्तर है या समाज का जो प्रत्येक व्यक्ति है वो भी लोकतांत्रिक की प्रक्रिया में भाग ले। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? राजनीतिक था, क्योंकि राजनीतिक उद्देश्य के माध्यम से व्यक्ति अपने जो है आर्थिक हितों की पूर्ति कर पाएगा। लेकिन और जो निर्वाचन क्षेत्रों में जो जातीय व्यवस्था लाई गई थी उसका भी उद्देश्य यही था कि समाज के ऐसे लोग जो अभी तक राजनीतिक प्रक्रिया में या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिनकी प्रतिभाग नहीं है वो भी प्रतिभा कर सके, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो या महिलाएं हो। जो जो समाज के ऐसे लोग हैं जो समाज की मुख्य धारा से अभी तक छूटे हुए हैं उनको समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के साथ साथ राजनीतिक प्रक्रिया में उनको प्रतिभा किया जाए। लेकिन इस जो प्रावधान संविधान में किया गया है इसका गलत इस्तेमाल किया गया। तो वो जो 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 किया गया अच्छी भावना से किया गया लेकिन उसका जो एक तरीके से दुरुपयोग किया गया और वो भावना जो है जाति क्षेत्रों का निर्वाचन जो है वो भी जातिवाद को बढ़ावा देने में एक तरीके से सहायक के तौर पर है। किंतु सर जो हाँ। जो कास्ट हैं जिनको आरक्षण की उसमें नहीं रखा गया था उन्होंने जातिवाद को कम करने का कौन सा प्रयास किया? उन्होंने भी तो पूरा बढ़ावा दिया है इस चीज को अब तक। मतलब सर जो जातियां आरक्षण में नहीं आती जैसे एससी एसटी आरक्षण में आई हैं या और कोई कास्ट है जो आरक्षण ली गई थी ताकि उनका इम्प्रूवमेंट हो सके इस उद्देश्य के साथ रखा गया था, बाद गलत इम्पैक्ट जो है हुआ। लेकिन जो कास्ट मतलब आरक्षण में नहीं रखी गई है उन कास्टों ने भी तो लगातार बढ़ावा दिया है सर। नहीं वही तो है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब आरक्षण का प्रावधान किया गया तो उसका उद्देश्य यही था कि जो निम्न स्तर पर जातियां हैं जो समाज की मुख्य धारा में नहीं है उनको उनका चाहे वो शैक्षणिक स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर हो उनको आरक्षण के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में समाज के स्तर पर और जो है शैक्षणिक स्तर पर उनको सम्मिलित किया जाए, ठीक है ना। लेकिन उससे हुआ क्या कि उससे एक जिन जातियों को आरक्षण नहीं मिला जिनको आरक्षण मिला उनमें तरीके से अपनी जाति के प्रति जो है जातीय चेतना उत्पन्न हुई। जातीय चेतना को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि उनके अंतर्गत अपनी जो है जाति को बढ़ावा देने के लिए जब व्यक्ति जब पढ़ा लिखा होगा वो समझदार होगा तो वो अपने हितों को अच्छी तरीके से समझेगा। अब अपने हितों को समझेगा तो जब व्यक्ति जब अपने हितों को समझ रहा है और उसके अंदर एक संकीर्ण भावना ये आ गई। और दूसरी चीज हमने पहले जाति के अंतर्गत भी समझा कि जाति का जो संरचना हमारी है उसमें वो जन्म से ही मिलती है और उसके अंतर्गत तो और हमने ये भी समझा था कि व्यक्ति के अंतर्गत अपनी जाति के प्रति भावनात्मक लगाव उत्पन्न होता है, चाहे वो उच्च वर्ग की जातियां हो जिनको आरक्षण का प्रावधान जिनके आरक्षण नहीं मिला या जो निम्न वर्ग की जातियां जिनको आरक्षण मिला उनके मध्य जो है एक तरीके से अपनी अपनी जातियों के लिए जो है एक तरीके से चेतना की भावना उत्पन्न हुई है। और जब 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 व्यक्ति की अपनी जाति के प्रति या अपनी जाति के जो है उद्धार के लिए भावना का जब उदय होगा तो वो जातिवाद में ही परिणित होगी, ठीक है ना। तो एक तरीके से हम इसको ये समझ सकते हैं कि जो जिन जातियों को आरक्षण मिला तो उनके काउंटर में जो अन्य जातियां थी उनके अंतर्गत भी अपने हितों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया और वो भी वो जो एक तरीके से ये प्रतियोगिता हो गई। दोनों जो जातियां जिनको आरक्षण मिला जिनको नहीं मिला उनके अंतर्गत भी प्रतियोगिता उत्पन्न हो गई। तो इसके कारण जो है वो जातिवाद की जो व्यवस्था है वो जो है वो एक तरीके से समाप्त नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। शुभम चौधरी नाम है मेरा। सर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कास्टिज्म को मतलब बढ़ावा तो नहीं दिया गया एज अ मतलब कोई कास्ट ऊपर आए तो उसको सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर को रखते हुए मतलब बढ़ावा दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया। सामाजिक और आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आर्थिक नहीं है। हाँ नहीं सर EWS का जो था वो तो अभी इकोनॉमिक फैक्टर भी इंक्लूड हुआ ना इसमें 10% जो दिया गया। EWS तो अभी किया गया है लेकिन जब संविधान जब लागू किया गया था 70 साल पहले की व्यवस्था ये थी कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ी जातियां हैं उन्हीं को संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। हाँ अब बताइए। अच्छा सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे मान लो कास्टिज्म को बढ़ावा नहीं देता है तो हमारी जो भारतीय सेना का एक रेजिमेंट है जाट रेजिमेंट, हाँ
भारतीय सेना में ऐसे कई रेजिमेंट है, जैसे महार रेजिमेंट हो गया, जाट रेजिमेंट हो गया, तो जब इनकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग होती है, मतलब जब प्रोसेस होती है, तो बकायदा उसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो वो भी एक तरीके का, जैसे जाट सेंटर है बरेली में, तो वहां जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा तो वहां पे सिर्फ जाट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और अगर हम इन जनरल जब रिजर्वेशन की मांग करते हैं तो तरीके तरीके के वो दिए जाते हैं कि नहीं जी आप तो आपके पास जमीन है, आपके पास सब कुछ है, आप इतने बैकवर्ड नहीं हो जो आपको दिया जाए। पर जब आर्मी की बात आती है, सेना की बात आती है, तो ऐसा स्पेशल टाइप से रेजिमेंट क्यों बना रखा है? नहीं, वो अलग चीज है। देखिए, ये एक्चुअली अभी से नहीं है, ये प्रक्रिया जो है वो अंग्रेजों के समय से ही है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद से तो खैर आरक्षण का प्रावधान नहीं है सेना में, तो ठीक है ना, सेना में तो आप अपनी जो व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर ही जा सकते हो। लेकिन एक चीज, हाँ एक चीज में समझिए, इसका कारण ये बनाया गया कि क्योंकि अगर हम अंग्रेजों के समय से ही देखें, भारत में जो अंग्रेजों की रणनीति बड़ी अच्छी होती थी, उनकी अगर आप रणनीति, अगर सैनिक रणनीति के तौर पर उनको समझने का प्रयास करें, तो उनके द्वारा कभी भारत भारत में जो भी लोग उनके द्वारा भर्ती किए जाते थे, वो जातिगत रूप से जो एक तरीके से जो सम्मिश्रण मिश्रण व्यवस्था के तौर पर नहीं रखे गए उनके द्वारा। उनके द्वारा जैसे पंजाब रेजिमेंट बना दी, सिख रेजिमेंट बना दी, जाट बना दी, एक अवध की रेजिमेंट बना दी, बंगाल की रेजिमेंट उनके द्वारा बना दी, ठीक है ना, मद्रास रेजिमेंट बना दी उनके द्वारा। तो जो रेजिमेंट है उनके द्वारा जो बनाई गई थी, उनका उद्देश्य यही था कि अगर हम सम्मिश्रण की भावना रखेंगे, क्योंकि भारत में जातिवाद की व्यवस्था और धर्म के आधार पर व्यवस्था है ही है, और एक जाति के लोगों को अगर एक रेजिमेंट में रखा जाएगा तो ये लोग एक साथ नहीं रह सकते, इनके अंदर विद्रोह की भावना तो वैसे ही है, ठीक है ना। दूसरा कारण ये था कि भारत में जब अंग्रेजों ने भारत को जो विजय किया था, तो उन्होंने अलग अलग मतलब एक प्रोसेस के तौर पर उन्होंने भारत को विजित किया था। जैसे कि अगर उनको बंगाल जीतना है तो उन्होंने कहां के सैनिक भेजे, उन्होंने भेजे कहां के सैनिक, अवध के सैनिक भेजे। अगर उनको अवध को जीतना है तो बंगाल के सैनिक भेजे उन्होंने। अगर आपने जो प्लासी का युद्ध तो आप अगर आपने पढ़ा होगा, तो जो रेजिमेंट जो जीतने के लिए जो रेजिमेंट गई थी, वो रेजिमेंट कहां की गई थी, वो रेजिमेंट गई थी मद्रास से रेजिमेंट गई थी, वो जो है बंगाल की रेजिमेंट नहीं थी, वो मद्रास की रेजिमेंट गई थी। तो चूंकि उस समय एक तरीके से भारत में राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, तो उसी तरीके से और ना ही और एक तरीके से उसी जो प्रारूप को अभी भी अपनाया गया है। उसका उद्देश्य यही है कि जो एक और एक दूसरी चीज इसको भी आप समझिए कि भारत में जो हमारी जो जो जितनी भी रेजिमेंट है उनका मूवमेंट होता रहता है हमेशा। मूवमेंट उसका उद्देश्य यही है कि एक अगर जो अगर नॉर्थ ईस्ट की हमारी जितनी भी रेजिमेंट है उनको अभी कभी जो है जम्मू कश्मीर भेज दिया जाएगा, या जम्मू कश्मीर के स्तर पर जो भी हमारी रेजिमेंट है उनको नॉर्थ ईस्ट भेज दिया जाएगा, तो वो एक अलग इशू है। और वहाँ यही उद्देश्य यही है कि सेना में जो है किसी भी आधार पर या जाति के आधार पर जो है एक तरीके से जो सम्मिश्रण जो है रेजिमेंट का विकास ना किया जाए। और ये अब से नहीं है, ये अंग्रेजों के जमाने से ही चल रहा है, चाहे डोगरा रेजिमेंट हो, चाहे सिख रेजिमेंट हो, जाट हो, राजपूत रेजिमेंट हो, वो तभी की बनाई हुई है। और सरकार नहीं, वो बात ठीक है सर आपकी, आप कह रहे हो सिख रेजिमेंट होगी, डोगरा हो गई, मद्रास होगी, तो सर औरों में सर कास्टिज्म नहीं होता है, औरों में सभी कास्ट जाती है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो वैश्य है, चाहे वो जाट है, चाहे वो पंजाब से कोई सिख आया है, सभी को लिया जाता है। मैं इस पर्टिकुलर रेजिमेंट की बात कर रहा हूँ कि इसमें तो सिर्फ जाट ही लिए जाते हैं। समझ रहा हूँ पर्टिकुलर, एक्चुअली वो शुरू से ही वो प्रावधान है कि ये जो है इस टाइप की रेजिमेंट जो होंगी वो शुरू से ही बनी हुई, वो अब से नहीं बनी है। और उसका कारण एक्चुअली एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है कि सरकार ने मतलब उनको भंग क्यों नहीं किया, और एक सम्मिश्रण जो सभी जातियों को समान रूप से क्यों नहीं उन्होंने रेजिमेंट में रखा। वो रेजिमेंट जो है अभी भी अपना जो है स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए हैं, ठीक है ना, और उनके लिए एक तरीके से भर्ती होने के लिए भी उनके लिए स्पेशल क्राइटेरिया होता है। जैसे कि अगर आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति की सुरक्षा में जो रेजिमेंट रहती है, और वो जैसे जहां तक मुझे जानकारी है शायद वो राजपूत या जाट रेजिमेंट ही है, तो उसके लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया है कि जिसकी हाइट शायद होगी वो 6 फीट से ऊपर हाइट का बंदा होगा, 6 फुट या 6'5" या 6'10" से ऊपर होगा, उसी को एक तरीके से वहां लिया जाता है। तो उनमें अब आपने देखा होगा भारत में अगर जातिगत स्तर पर देखा जाए तो कुछ ही ऐसे हैं, चाहे वो पंजाबी देखें या हम लोग जाट देखें या राजपूत देखें, हाइट के स्तर पर वही मिलते हैं। तो संभवतः सरकार का ये भी हो सकता है एक मोटो कि उनके द्वारा इन रेजिमेंटों को खत्म ना करके सिर्फ स्पेशल
तौर पर ही भर्ती किए जाते हैं। ओके सर, हेलो। सर मैं ये कह रहा हूँ, मेरा एक साधारण सा क्वेश्चन ये है कि जो आरक्षण का प्रावधान पहले किया गया था 10 साल के लिए, वो इसलिए किया गया कि जो लोग अल्पसंख्यक वर्ग से हैं या फिर जो लोग पात्र हैं, जो अल्पसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है, सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर। हाँ हाँ, मान लिया सर, आर्थिक और शैक्षिक स्तर से जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए, तो क्या वो व्यक्ति अभी भी मुख्य धारा में नहीं आए हैं? नहीं, सरकार के पास देखिए, सरकार भारत में 1900 अब आप देखिए, पहले 10 साल के लिए किया गया लेकिन अभी तक ये जारी है, इसका बेनिफिट लोग अभी भी उठा रहे हैं, जबकि कल के परसों के न्यूज़पेपर में भी एक चीज आई थी कि जो लोग अब तक इसको लाभ पा चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो आज अच्छे और परिपक्व और सक्षम हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार पीढ़ियों दर पीढ़ियां लाभ ले रहे हैं उसकी। हाँ, नहीं, इसका कारण आप समझिए, तो पहले इसका कारण आप समझिए कि तो अभी तक अभी भी मुख्यधारा में नहीं आए। हाँ, नहीं समझिए, इसका इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि सरकार के पास में अभी तक कोई ऐसा डाटा नहीं था जो है 2015 से पहले, 15-16 से पहले तक के, मतलब सरकार के पास में जातिगत स्तर पर, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर कितने लोग जो है उनको 1931 में ही भारत में जातिगत या सामाजिक आर्थिक स्तर पर जनगणना हुई थी। उसके बाद अभी तक भारत में ऐसी कोई गणना नहीं हुई है कि जिससे ये जाना जा सके कि कौन सी जाति जो है वो जो है समाज में, चाहे शैक्षिक स्तर पर या जो है सामाजिक स्तर पर, उसने किस स्तर को प्राप्त किया है। ठीक है ना, 2016-17 तक की ये स्थिति रही है हमारे यहाँ पे। दूसरा, आरक्षण जो है अब जो है सामाजिक और जो शैक्षिक स्तर के आधार पर ना होकर वो एक राजनीतिक कारण बन गया है। ठीक है ना, और सरकार जो है आरक्षण को एक वोट बैंक की राजनीति के तौर पर देखती है। अगर हम अपनी अभी जो है जातिगत, अगर एक तरीके से हम जनगणना की बात करें, तो भारत में 22 भारत की जो जनगणना उसके डाटा है लास्ट 2011 के, उसमें 22% जनसंख्या जो है वो एससी की है, और ऐसे ही जो है करीबन जो है एक तरीके से मतलब 27-28% अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों मिला के हैं। ठीक है ना, और अगर ओबीसी की बात करें, ऐसी ओबीसी, तो कुल मिला के देखा जाए तो 60-70% ऐसी जनसंख्या है जो प्रॉपर तरीके से आरक्षण का लाभ ले रही है। ठीक है ना, तो भारत में जाति जो है जो आरक्षण जो है वो एक तरीके से राजनीतिक मुद्दा बन गया है, और सरकार भी जो है उसको एक तरीके से सुलझाने का प्रयास कर रही है। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि सरकार ने सामाजिक और जो शैक्षिक स्तर पर अभी तक जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसको आर्थिक स्तर पर कर दिया। ठीक है ना, अगर हम ओबीसी स्तर की बात करें, तो ओबीसी में जब आरक्षण लाया गया था तो सरकार द्वारा पहले तो सभी जितने भी ओबीसी लोग थे सभी लोगों को सामाजिक और जो है शैक्षिक स्तर पर उन्होंने आरक्षण दिया, लेकिन बाद में उन्होंने एक आर्थिक जो स्तर मतलब क्रीमी लेयर का प्रोसेस सरकार द्वारा लगा दिया। ठीक है ना, तो आरक्षण बेशक जो है दिया गया है, लेकिन सरकार द्वारा यही कहें कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसका समय समय पर रिव्यू किया जाता है, और ये एक छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, और सरकार के पास में कोई ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं बनी है कि वो ये नाप सके कि जिन जातियों को 70 साल पहले आरक्षण दिया गया था और वो जातियां जो है जिसके उद्देश्य से दिया गया, क्या उस उद्देश्य को उन्होंने पा लिया है। तो जब तक हम लोग या ये कहें सरकार के स्तर पर कोई ऐसी मैकेनिज्म या सरकार के स्तर पर कोई ऐसा डाटा या कोई ऐसी रिपोर्ट सरकार के पास नहीं होगी, तब तक सरकार जो है कदम नहीं उठा सकती है। ठीक है ना, अब बताइए सर, ये तो फिर यही है कि एक महज एक औपचारिकता मात्र पढ़ाते हैं, और या फिर हमारे सिस्टम में भी चला आ रहा है कि समानता का अधिकार, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी में है बहुत सारे परिवार हम लोग देखते हैं अक्सर करके कि ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें मिलना चाहिए, वो हकदार हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये तो एक औपचारिकता मात्रा की समानता का अधिकार लोग पढ़ा रहे हैं, फिर ये समानता का अधिकार भी खत्म हो गया। नहीं, एक चीज और समझिए कि समानता का अधिकार नहीं है, वो समता का अधिकार है, इक्वलिटी का अधिकार है। अगर आप संविधान पढ़ेंगे, समता का अधिकार इक्वलिटी का अधिकार है, इक्वलिटी है। समता और समानता में बहुत अंतर होता है। ठीक है ना, और हमारा संविधान जो है वो समता का अधिकार देता है, इक्वलिटी का अधिकार देता है। दूसरी बात, जो हमारे जो मूल संविधान में यही व्यवस्था की गई है, आर्टिकल हमारा 15 का कहता है, आर्टिकल 15 का 3 ये कहता है
कि राज्य जो है स्त्री महिला के लिए भी विशेष प्रावधान कर सकता है, तो वो इक्विटी के अंतर्गत ही आता है। और हमारा चौथा आर्टिकल क्या कहता है कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप पर जो लोग पिछड़े हुए हैं राज्य जो है उनके उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल ऐसे ही हमारा 16 भी कहता है। तो ये हमारे मूल संविधान में ही व्यवस्था है कि राज्य जो है सामाजिक और आर्थिक स्तर पर चाहे वो महिला हो पुरुष हो अनुसूचित जाति हो जनजाति हो वो समाज में समान स्तर पर नहीं है, उनको समान स्तर पर लाने के लिए सरकार जो है विशेष प्रावधान कर सकती है। तो ऐसे ही बहुत सारी व्यवस्थाएं जो सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है वो उनका ध्यान जो है वो समानता लाना नहीं है, वो समता लाना है, मतलब इक्विटी लाना है उनका उद्देश्य जो है। और बताइए किसी को और कोई समस्या? नो सर। ठीक है, तो आज इसको यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आतंकवाद पर डिस्कस करेंगे। और किसी को कोई समस्या हो कोई क्वेश्चन हो तो रखिएगा, थोड़ा सा इसको दोबारा ब्रीफ कर लेंगे एक बार। ठीक है।